हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्कॉर्ट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 3 जनवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एस्कॉर्ट्स में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप आज के दिन मतलब यहाँ पे फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में हमें जो है 0.01% मतलब एकदम ही न्यूट्रल यहाँ पे आज के दिन जो क्लोजिंग हमें देखने मिली है और 1908.70 पे यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है। बात करें अगर मैं यहाँ पे डेज रेंज में डेज हाई की तो यहाँ पे 1918.90 का यहाँ पे हाई है। तो यहाँ पे 52 रेंज में भी जो है मतलब 52 वीक हाई भी जो इसका 1918.90 का मतलब आज के दिन इसने अपना न्यू 52 वीक हाई जो है वो बनाया है उसको, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। 1908.70 पे यहाँ पे क्लोजिंग हमें दी है। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की तो यहाँ पे हम देखेंगे इस स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिला जरूर जो हमारा ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे जो है हमें एवरेज से भी कम यहाँ पे वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। अगर यहाँ पे आरएसआई की बात करें तो 71-72 के आसपास जो है यहाँ पे आरएसआई जो है आ चुका है, मतलब यहाँ पे ओवरबॉट एरिया में जो फिलहाल करंटली स्टॉक जो है वो चल रहा है। जरूर यहाँ पे जो अगर कैंडल की बात करें तो 20 EMA 50 EMA के ऊपर यहाँ पे कैंडल जो है चल रहा है और पिछले कई दिनों से जो है स्टॉक हमारा जो है उसी को जो है सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे अच्छा जो है रैली कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली स्टॉक जो है अभी भी यहाँ पे पूरा का पूरा जो है आपको जो है अपर ट्रेंड में ही देखने मिलने वाला, मतलब स्टॉक जो है और अपने जो है 52 वीक हाई जो है वो क्रॉस करने वाला है। जरूर जो यहाँ पे थोड़े दिन के लिए जो आपको एक डाउन साइड देखने मिल सकता है इस स्टॉक में, ताकि यहाँ पे एक बार वापस से 20 EMA को जो है यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है, मतलब 1850 का जो है यहाँ पे एक अच्छा मैं कहूँगा एक एंट्री का पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है तो यहाँ पे स्टॉक जो है अभी भी और ऊपर हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन आर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं हमें मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ओपिनियन करने से पहले मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन जो स्टॉक में क्या बनते हैं उसको जरूर यहाँ पे मैं मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एज सच रेसिस्टेंस जोन की तो रेसिस्टेंस जोन हमें यहाँ पे देखने नहीं मिलते, क्योंकि आज ही के दिन मतलब फ्राइडे के दिन ही जो है स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई जो है वो क्रॉस किया है। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है कोई डेटा नहीं है ऊपर साइड के लिए हमें देखने के लिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर जो है क्या क्या बनते हैं वो यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम 20-20 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे मार्किंग्स करेंगे। जो यहाँ पे एक तो यहाँ पे 19-20 का हमें जो है एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है जो इसके ऊपर फिर मिलता है, और एक 20 का जो है 1940 के बाद यहाँ पे 1960 का दूसरा यहाँ पे हमें जो है रेजिस्टेंस जोन देखने मिलता है। तो यहाँ पे जरूर जो उसको आप मार्क करके रख देते हैं। बाकी यहाँ पे मार्किंग सारी की सारी हो चुकी है। बात करते हैं यहाँ पे इसके क्लोजिंग की, 1908.70 के आसपास यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 1902 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1912.15 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ट्रेड लेना है। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आप सभी को दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में क्या बनते हैं मंडे के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपको यहाँ पे जरूर बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1892 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 1880 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस जोन आता है यहाँ पे 1919.90 का, और यहाँ पे उसके बाद का आता है 1940 का जो हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है उसके ऊपर भी मैंने जरूर यहाँ पे मार्क करके आपको बता दिया है। जरूर जो उसको मंडे के दिन कंसीडर में रखते हुए जो अपना ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में जरूर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड का है, मतलब 1892 से लेके
9002 के बीच में आपको जो है यहाँ पे मंडे के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।